और नोएडा स्टूडियो में हमारे राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। जी हाँ, तो ये उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और एक विधानसभा और एक उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट पर ये चुनाव होने हैं, नूरपुर और कैराना। आइए, इस वक्त चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं। ए के मिश्रा जी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और हम चर्चा इस पर इस बहस के लिए इकट्ठा हुए हैं कि परिस्थितियां क्या कहती हैं, आगा पीछा क्या कहता है, इन सीटों पर चुनावी समीकरण क्या है, उस पर चर्चा कीजिए और आप भी इसमें शामिल हुई। जी मिश्रा जी, अक्षय जी, देखिए जैसा मेरे सभी राजनीतिक मित्र बोल रहे थे, देश का विकास करना, परियोजनाएं चलाना, वो एक डिफरेंट एजेंडा और स्ट्रेटजी होती है, और जो चुनाव होता है और चुनाव के टाइम में जो वोटरों का जो झुकाव होता है वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी और मुद्दा होता है। कोई भी चुनाव जीतना या हारना, जो वो महीने दो महीने का जो पूरा काम होता है डिफरेंट पार्टियों का, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से जो वोटर्स के प्रेफरेंस हैं एक जगह से दूसरी जगह वो स्विंग होते हैं। देखिए, अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये एक बहुत ही जो है माइक्रो लेवल की एनालिसिस है और आप ही के चैनल पे मैंने फूलपुर वगैरह के लिए भी बोला था कि बीजेपी हारेंगे, उसके कुछ बेसिक रीजंस थे और वो चीज हुआ, और इसके पहले भी जितने हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे रिजल्ट सेम थे। देखिए, बीजेपी का अगर ये देखा जाए, मैंने उस वक्त भी बोला था उपचुनावों को बीजेपी बहुत ज्यादा जो है गंभीरता से नहीं लेती है। बीजेपी की थोड़ी सी कमजोरियों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि उपचुनाव के लिए। अच्छा, दूसरा ये होता है कि उपचुनाव में जो भी रिजल्ट आता है वो केवल लोकल मुद्दों के कारण आता है, क्योंकि नेशनल या स्टेट लेवल का जब चुनाव होता है तो किसी भी पार्टी के एक बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारी मशीनरी वहां पे इन्वॉल्व रहती है लोगों को मास लेवल पे इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बीजेपी ने अच्छा किया, समाजवादी ने बुरा किया, ये सब चीजें पब्लिक नहीं देखती है और पब्लिक का माइंडसेट टोटली वहां पे महीने दो महीने में चेंज हो जाता है। ये एक बहुत डिफरेंस है। देखिए, अगर यहां पे हम फिर से उपचुनाव की बात करेंगे तो जितने भी उपचुनाव हुए हैं बीजेपी सारे उपचुनावों को हारी है। अगर अब यहां पे देखना यह है कि अगर विपक्ष ने कोई गठबंधन बनाया, मायावती जी ने, जैसा कि मैं आपके चैनल पे देख रहा था, उन्होंने बोला कि भाई हम कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे, अगर ये अकेले होकर के लड़ेंगे तो जो चौधरी चरण सिंह के मतलब पोते हैं, जो जयंत जी को जो कैंडिडेट बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो नेचुरल बेनिफिट है, नेचुरल इमेज है, उसके कंपैरिजन में जयंत जी को जो है उनका अभी कोई इतना जबरदस्त इमेज या एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज ए पॉलिटिशियन की तरह नहीं बनी है, तो वो बीजेपी को फेस नहीं कर पाएंगे। इसमें सवाल यह है कि बसपा और सपा के पास क्या कमी है वहां इस सीट पर, क्यों जयंत चौधरी आगे? नहीं नहीं, बस देखिए, अब ये केवल अभी अटकलें चल रही है, हो सकता है जयंत चौधरी जी के साथ जो है मतलब ये पार्टियां एक साथ आ जाए, एक साथ नहीं आए। एक बार अगर ये क्लियर हो जाए कि ये अगर अकेले लड़ रहे हैं, नहीं अभी जगदेव सिंह कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ आएंगे। नहीं नहीं, देखिए सवाल ये होता है वो इलेक्शन के पहले जब नॉमिनेशन होता है ना, तो हाईकमान जो है क्या डिसीजन लेता है, क्या बनता है, ये बहुत तेजी से ये चीजें चेंज होती है। अगर ये बोल रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ आएंगे तो मैं बोल सकता हूं कि बीजेपी को आप एक अच्छी चुनौती देंगे, लेकिन यहां पे अगर ये देखा जाए तो ओवरऑल जो बीजेपी, लेकिन कैंडिडेट इज आल्सो मैटर ना, कैंडिडेट भी नहीं नहीं, देखिए अब ऐसे अगर आप मैटर की बात करेंगे तो लगभग 80 से ज्यादा फैक्टर्स और फोर्सेस होते हैं जो मैटर करते हैं। वन बाय वन या ओवरऑल अगर हम ये कंपैरिजन करें, अगर आप देखिए मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, इन सब की बात करेंगे और इंडिविजुअल सीट्स की भी अगर हम बात करें, तो बीजेपी के सामने जो एडवांस लेवल पे इस वक्त फैसिलिटीज हैं, जो स्ट्रेटजी है, जो थिंक टैंक है, वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस के बारे में क्या आकलन है आपका? नहीं, कांग्रेस के बारे में तो सर देखिए, मैं शुभकामनाएं जरूर दूंगा और मैं बोलूंगा कि सर कांग्रेस को पूरे नेशनल लेवल पे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई स्थानीय उम्मीदवार बड़ा चेहरा हो जाता नहीं, है। नहीं देखिए, ये एक नहीं विधवा जी, देखिए ये एक बड़ा रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो, देखिए कांग्रेस में भी कई लोग ऐसे हैं जो बड़े जो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन जब नेशनल लेवल पे पार्टी की नीतियां गलत हो जाती हैं, उनका चुनावी जो है रणनीति या चुनावी जो माहौल बनाना होता है वो असफल हो जाता है, तो बड़े से बड़े नेता भले ही वो कितना कद्दावर अपने एरिया में क्यों ना हो, देखिए पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट यही है, कैंडिडेट आपका बहुत अच्छा
क्या कर रहा है, लेकिन हाईकमान वालों ने गलती कर दी, जैसे गुजरात इलेक्शन में हुआ। मणिशंकर अय्यर जी ने एक छोटी सी चीज बोल दी और कांग्रेस ने जीता जिताया हुआ इलेक्शन वो बीजेपी से हार गई, मार्जिनल 8-10 सीटों का गैप था। तो ये पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स का है और एक बहुत जबरदस्त सिंक्रोनाइजेशन चाहिए कि आला कमान स्टेट लेवल और ग्राउंड लेवल के जो सारे नेता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सब यूनिडायरेक्शनल होकर के उनको चलना चाहिए, तभी वो रिजल्ट आता है। और ये यूएसपी बीजेपी के पास है, ये बीजेपी ने अपने आप को रिफॉर्म किया है। दूसरी पार्टियों को भी मैं बार बार यही बोलता हूं शुभकामना के साथ कि सर आप लोग जरा ग्राउंड लेवल पे अपने आप को रिफॉर्म करिए। अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर मुझसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कौन सी पार्टी के पास है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं बोलूंगा कांग्रेस के पास है और उसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, ठीक है। ये जगदेव सिंह जी जो अभी ए के मिश्रा कह रहे थे, समझ में ये नहीं आ रहा कि यहां पर जयंत चौधरी के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आप लोग अपने स्तर पर सपा बसपा जयंत चौधरी को आगे कर रहे हैं, आपके पास कौन सी कमी उम्मीदवारों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और कहीं आप देखिए ये मानते हैं कि जिस एरिया इलाके में चुनाव है वहां आरएलडी का बोलबाला है, दबदबा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अक्षय जी यहाँ करेक्ट करूंगा, आरएलडी का दबदबा सर लगभग मृत प्राय हो चुका है, बहुत ही साफ नहीं, नहीं है, लेकिन इस इलाके में खासतौर से बहुत ये स्थिति साफ नहीं है जी। बाकी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी चौधरी अजीत सिंह का काफी प्रभाव दबाव रहा है, वो चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र है, देश प्रधानमंत्री रहे, तो अगर संयुक्त प्रत्याशी उतारने की बात आती है और सारे लोगों की सहमति बनती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि स्वयं लड़ना है या उनको समर्थन देना है, ये उनका निर्णय होना है। मैं समझता हूँ ये हम जरूर कह रहे हैं या सब लोग चाह रहे हैं कि सारा विपक्ष एक हो और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें, और एक संदेश देने जाएगा कि आने वाले 2019 में उत्तर प्रदेश से नहीं सारे देश से हम विपक्ष मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी को दखल करने का हो जाएगी जगदेव जी। और अभी ये कुछ भी तय नहीं है, अभी किराना के बारे में वहां की जनता को मालूम है कि आपकी सरकार ने क्या किया था, कितने पलायन हुए थे किराना में, कितने पलायन हुए थे, आप मुझसे नंबर पर आई थी, इतनी बड़ी घटना चौथे नंबर पर आई थी, सामने ये निर्णय हो रहा है, अभी ये स्टेज है, अभी कुछ है। और जहाँ तक गोस्वामी जी बहुत बोलते हैं, बहुत चिंतित करते हैं, खराब है, इनको अपने टाइम में बोलना चाहिए, इनकी कोई हैसियत नहीं है, अभी जगातार का हार चुका, हार गया, उसके बाद ये किस मुंह से बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं ये नहीं समझ पा रहा, कितनी ज्यादा जनता भारतीय जनता पार्टी आज अपराधियों की भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी अपराधी आ गए, दूर के धूल के बहुत अच्छे हो गए, अभी उधर बुक्का लगा था हम लोग बैठे थे, इनकी हिम्मत नहीं थी, चुनाव जाते इसीलिए दूसरे पार्टी से तोड़ करके मजबूरी में अब दोबारा उनको प्रदीप सिंह बीच में हार जाते। ठीक है जगदेव सिंह जी, पार्टी ठीक है सर, जिले उपचुनाव में सरकारी एक भी चुनाव हम नहीं आ रहे, ठीक है, सारे चुनाव आ रहे हैं लगातार, ठीक है, प्रदेशों में भी ठीक है। प्रदीप सिंह ये बताइए कि आपकी पार्टी ने अभी कुछ नाम तय किया, कुछ चेहरा, कुछ सुखबुगाट आपकी ओर से कांग्रेस की ओर से इन दोनों सीटों पर, कैराना का पलायन भी याद है जगदेव जी, वहाँ की जनता को याद है। अच्छा जी, हमने आपको बताया किया था, अरे देखिए अगर पहले तो इनको बोले जब ये बोलना बंद कर दे तब बताइएगा, बोलिए बोलिए। हाँ देखिए, हाँ देखिए देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व मिलकर ये तय करेंगे कि हम आने वाले समय में 29 तारीख के बाद रैली के बाद कि हम क्या करेंगे, किस तरह से अगला चुनाव अगला प्रत्याशी कैसे घोषित होगा, ये चीज और सारे नेतृत्व के लोग सारे नेतृत्व मिलकर बैठ के तय करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे किराना की तमाम घटनाएं लोगों को याद है, लोगों को यह भी याद है कि ये किराना की घटना शुरुआत कब हुई थी, किराना की घटना की शुरुआत सन 2000 में हुई थी, उस समय हुकुम सिंह जी मंत्री सरकार में मंत्री हुआ करते थे, आईबी की एक रिपोर्ट आती है, उसी समय आईबी ने एक रिपोर्ट दी होती है कि किराना में फेक करेंसी का निर्माण हो रहा है, यहां से फेक करेंसी चलाई जा रही है, उस समय भी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और यानी एक वरिष्ठ पत्रकार कमलेश्वर जी हुआ करते थे जिनको संपादक बना करके एक टाइम्स नाम का एक पत्रिका चलाई गई थी, समाचार पत्र चलाया गया था, 3 महीने के अंदर वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा था जिन पर देशद्रोह का आरोप है,
उस समय पे हुकुम सिंह जी यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। ये लोग अगर ये बताते हैं किराना की घटना, किराना की घटना में जब आप चुनाव जीत कर आए, आपने ये बताने की कोशिश की आने वाले समय में निश्चित तौर पर तमाम चीजों में बदलाव होगा, क्योंकि 2000 में घटना तमाम लोग भूल चुके थे और आपने एक नई चीजें तय की। लेकिन आपके चुनाव जीतने के बाद लोगों ने दिए देखा कि उन अपराधियों के साथ आपने हाथ मिला लिया है और किराना की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। यह आपके कार्यकाल में हो रहा है और लगातार आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे रिकॉर्ड हुए। यह आपका यह हमारी रिपोर्ट नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। लगातार आप देख लीजिए, आप हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध कहीं पर दर्ज हो रहा है तो नंबर दो पर उत्तर प्रदेश आ रहा है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं, आपकी सरकार की। ठीक है सर, वीके गोस्वामी, क्या किराना वाकई स्थिति बदलाव चाह रहा है? निश्चित तौर पर आप चुनाव हारने जा रहे हैं, जनता बदलाव करेगी। गोस्वामी जी, कांग्रेस के पास कांग्रेस के पास सिर्फ बोलने के जमीन पर तो इनका कुछ है नहीं। मुलायम सिंह यादव ने बता दिया कि ये 2 सीट की औकात है इनकी और इनके पार्टी के उपाध्य कहते हैं कि वहां जैन मसूद लड़ेंगे, जैन जी लड़ेंगे, समझे? ये समझे कि जाना चाहते हैं कांग्रेस के लोग? कांग्रेस तो देश से साफ हो गई ना, ये क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा दंगा हिंदुस्तान में अगर हुआ तो कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। अभी अभी सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है कि उनकी टिप्पणी क्या थी, उसका जवाब इनके पास क्या है? तो जिस तरीके से हिंदुस्तान के दंगों के सबसे बड़ा नाम कांग्रेसियों के हाथ में है वो बीजेपी का नहीं है। बीजेपी दंगा नहीं कराती। ठीक है सर, बीजेपी के कार्यकाल में रामराज है उत्तर प्रदेश के। हमारे अपराधी भग रहे हैं, अपराधी भग रहे हैं कार्यकाल में। पहली बार समय समाप्ति की ओर है। एक मिश्रा जी, क्या लगता है कि ये स्थिति जो बन रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन बीजेपी के शासन काल में अभी किराना जैसा रहा है, नूरपुर जैसा रहा है? नहीं देखिए, अगर ये मेन इलेक्शन होता ना तब तो मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे जो है मैं एनालिसिस करता, लेकिन चूंकि ये बाई इलेक्शंस है और अगर विपक्ष जो है एक साथ नहीं आ पाया, जैसे जयंत चौधरी के फेवर में, ये एक बहुत टिपिकल टास्क है। मायावती जी या अखिलेश यादव सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके भी अपने बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अगर अलग होकर लड़ेंगे तो बीजेपी जीतेगी, तो वो एक बट नेचुरल फेवर के कारण जीतेगी, क्योंकि दूसरी पार्टियों के कंपेरिजन में बीजेपी के पास ज्यादा अच्छी मशीनरी है, बहुत सारी चीजें उसकी बीजेपी की यूएसपी है। लेकिन अगर ये एक साथ होकर के आते हैं तो बीजेपी को बहुत जबरदस्त टक्कर मिलेगी और हो सकता है कि बीजेपी फिर हार जाए वहां पे। तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, बाई इलेक्शंस के नेचर टोटली डिफरेंट होते हैं। जो नेशनल या स्टेट लेवल के इलेक्शंस होते हैं, सारा डायनामिक्स वहां पे अलग होता है, लोगों की वोटर्स की जो प्रेफरेंस होती है, उनका वोटर्स के सोचने का जो तरीका होता है वो भी टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय समाप्ति की ओर है, देखना ये होगा कि मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है, मतगणना का भी, लेकिन ये कैराना और नूरपुर की सीटों पर आने वाले वक्त में जनता किसे चुनती है, क्या चुनावी समीकरण बनते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय हिंदी खबर के लिए निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।